तो गाइस यार आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है देखने के लिए। बाकी यार पता राम राम, मैं नाम शिवम और मैं हूँ विशाल। सो गाइस वी आर बैक विद अनदर न्यू अमेजिंग व्लॉग वीडियो। बाकी यार आप कैसे हो कमेंट में बता देना, और हम बहुत ठीक है यार। आप टाइटल थंबनेल देखकर समझ ही गए वीडियो कितनी शानदार और खतरनाक होने वाली है। शानदार है ये, तू इसके साथ मत घूम रहे। शानदार इसलिए होने वाली है क्योंकि हम कहाँ जाने वाले हैं? कुतुब मीनार। बाकी यार वहाँ पे टिकट चालू हो गई हो, कहीं और जाने वाले थे, वो जगह बंद हो रखी थी। हमने सोचा यार पास में ये तो बना लेते हैं, क्या फायदा व्यूवर्स को वेट करना पड़े एक और वीक का और हम लेट तो हो जाए, इंतजार ना करना पड़े, इसलिए हम वीडियो अपलोड रेगुलर करते रहेंगे। तो गाइज हम मिलते हैं वहाँ पे लोकेशन पे और आपको बताते सारी डिटेल्स वहाँ के बारे में एक एक, और मिलते हैं डायरेक्ट। तो गाइज यार आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है कुतुब मीनार देखने के लिए। बाकी यार ये पता नहीं की भीड़ लगा रखे कितने पढ़े लिखे लोग भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखो QR कोड भी है, QR कोड स्कैन करके आप टिकट बुक कर सकते हो। तो यार टिकट बुक करना हो तो जल्दी से कर लो। बाकी यार अंदर कुछ सामान नहीं लेके जा सकते, बैग वैग सब यहीं पर आपको जमा कराना पड़ेगा, तब अंदर जाना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं आपको अंदर। गाइस यहाँ पे आपको टिकट देके अंदर जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भीड़ लग रखी है। फाइनली पहुंच चुके हैं बहुत मशक्कतों के बाद, क्योंकि यार आप पीछे देख सकते हो लाइन कितनी जबरदस्त है, भीड़ इतनी ज्यादा है ना, लग रहा है लोग सारा काम छोड़ के आ गए। ऑफलाइन टिकट यार पता नहीं क्यों लोग खरीद रहे, पेटीएम ये दी QR कोड स्कैन करके तुरंत ले लो। बाकी यार हम आपको अंदर दिखाते क्या क्या है। गाइस मतलब ये जगह इतनी ज्यादा फेमस है ना, जितनी ज्यादा फेमस है उतनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ भी देखने को मिल रही है। मतलब बहुत ज्यादा मशक्कतों के बाद हमें भी यहाँ अंदर आने को मिला, पहले टिकट की भीड़, उसके बाद कहाँ की भीड़ थी, एंट्री की भीड़। यार कुतुब मीनार आप सामने देख सकते हो, हम यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये तो एग्जिट का रास्ता है भाई। तो गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं, कुछ मस्जिद टाइप बना रखा है, सिटिंग एरिया भी। बाकी यार यहाँ पे हम थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि भीड़ ज्यादा है, उसमें नॉइस थोड़ी आ सकती है शिव, क्योंकि यहाँ बाकी जो प्लेसेस हैं उनके मुकाबले बहुत ज्यादा भीड़ है, पता नहीं क्यों, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज्यादा फेमस है इसलिए यहाँ पे भीड़ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। बाकी यार फेमस तो है क्योंकि यहाँ पे हर टूर ट्रेवल आता है घूमने के लिए, जो भी हमारी वीडियो देख रहा है ना वो यहाँ ना आया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ बाकी यार यहाँ से कुतुब मीनार दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है एकदम सामने, अभी हम वहाँ पे पास में भी जाएंगे उसके। बहुत अच्छी बात है कि कुतुब मीनार को अब भी लोग इतना देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल यार यार यहाँ पे ये पता नहीं एक दरवाजे, क्या नाम है इस दरवाजे का, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा विशाल बोला बहुत ज्यादा फेमस है, मेरे को पता नहीं था वैसे, फेमस चीजें तेरे को नहीं पता रहती है। बाकी यार ये देख लो इसके बारे में लिखा हुआ है, अलाई दरवाजा 1311 ECV में बना था ये। बाकी यार ये देख सकते हो कितनी जबरदस्त नक्काशी हो रखी है इसके ऊपर, डिजाइन ही बहुत अच्छी है, अंदर से देखो फोटोशूट तो एक नंबर का होगा इधर। यार इस कुतुब मीनार में एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, इतना पुराना हो गया ना फिर भी एकदम ढंग से मेंटेन कर रखा है इस जगह को, मतलब साफ सफाई, हाँ साफ सफाई कह लो या फिर खरोच, कहीं भी एक खरोच नहीं दिख रही होगी इसके ऊपर, क्योंकि इसके आगे एक रेलिंग भी लगी हुई है कि अंदर नहीं जा सकते बिल्कुल भी, बाहर से मजे लो, पैसे भरने पड़ेंगे। बाकी इसके ऊपर ना उर्दू में अरबी में लिखा हुआ कुछ, जिसको समझ आया कमेंट कर देना एक बार। इतना पास खड़े हुए कि हमें कैमरा मतलब ऊपर करना पड़ रहा है इतना, और पास जाऊं विशाल देखो यार जाके दिखा रहे कि हम मतलब इसके आगे कितना छोटे, अगर हम इसके पास जाते हैं दूर से तो मतलब बहुत छोटा ही दिखता है, पास से जाने के बाद कुछ अलग ही लुक आती है इसकी। बिल्कुल यार जब काफी छोटे थे जब आए थे यहाँ पे, और अब आने का चांस मिला खाली यूट्यूब की वजह से। बाकी यार जैसे पास में खड़े हैं ऊपर ऊपर देखते जा लग रहा है बुर्ज खलीफा है, सही कह रहा है बुर्ज खलीफा की तरह लग रहा है ये। मैंने सुना है ना इसकी ऊपर की एक बिल्डिंग टूट भी गई थी, सुना है? हाँ वो दोबारा बन गई थी, मैंने ये भी सुना है, पता नहीं यार बनी कि नहीं बनी, क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़ा छोटा सा लग रहा है ये। कुतुब मीनार के अंदर जाने देते थे पर पता नहीं कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिनकी वजह से यहाँ का गेट बंद कर दिया, अब ऊपर कोई नहीं जाता, बाहर से ही देखते हैं। भाई यहाँ पे कुतुब मीनार है, इसके आगे एकदम सिटिंग एरिया जहाँ विशाल बैठता है, उससे पूछता हूँ यहाँ बैठ के कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है भाई यहाँ बैठ के? बहुत ही सही नजारा है, यहाँ से बैठ के देखने में ना और ज्यादा मजा आ रहा है। भाई यहीं पे सिटिंग एरिया भी है और उसके बारे में भी सब है, आयरन पिलर जो कि आयरन पिलर किधर है पता नहीं, उस तरफ होगा थोड़ा, वहाँ भी चलेंगे। बाकी यार कुतुब मीनार ढंग से देख ले क्योंकि यहाँ सब यहाँ कुतुब मीनार ही देखने आए हैं। बाकी यार मेरे को ना इसके अंदर छोटे छोटे वो दिख रहे विंडो, ये देख सकते हो, देखो ये रहा विंडो, मतलब यहाँ पे रहता भी होगा कोई,
रहता कोई नहीं। सारा मैं यहाँ गेट के आगे आगे गेट लेकिन क्लोज हो रखा, ऊपर चिटकनी लगी हुई जैसे गाँव में लगी होती गेट पे। पब्लिक तो यार भर के एकदम दबा के, जैसे वो फ्री में आधार कार्ड नहीं बनते जब लोग आ जाते हैं, वैसी भीड़ हो रही है। कुतुब मीनार के यार एकदम सामने ना एक पुल बन रहा है उधर जाने के लिए, ये अभी अभी बन रहा है, इस पे काम चालू है। क्योंकि यहाँ पे ना पहले घूम के जाना पड़ता था, क्या पता उसकी वजह से यहाँ से बना दिया, थोड़ा पास पड़ गया। क्या हुआ भाई? भाई कुछ नहीं हुआ यार, ऊंचाई देख रहा हूँ ये, पता क्या कितने मीटर ऊंचा हो गए पता है कुछ नहीं? नहीं मेरे को तो नहीं पता, तेरे को पता है तो व्यूवर्स को बताइयो। बाकी यार मेरे को पता है नहीं, अगर आपको पता हो तो बता देना। बाकी इसके बारे में कोई यही पता है कि ये बनाया गया था 1193 के आसपास। अच्छा, मेरी सुनने में आई कि ये सीधा भी नहीं है, सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है, हल्का सा मतलब झुका हुआ है साइड से। कहीं आपको लग रहा होगा ये सीधा है, पर ये सीधा नहीं, आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। कुतुब मीनार से इतना दूर आ चुके हैं यार, फिर भी कुतुब मीनार अपने फ्रेम में नहीं आ रहा, ऊपर ही जा रहा देखो। हाँ मतलब इतना दूर आ चुके हैं कुतुब मीनार, फिर भी ये फ्रेम में नहीं आ रहा देखो। तो गाइज हम यार कुतुब मीनार दिखा दिए, अब इसके आगे देखते क्या है। यहाँ से रास्ता जा रहा है कुछ ऊपर से चलते हैं और ये सब एक्सप्लोर कराते हैं। कुतुब मीनार के ठीक सामने ये पता नहीं क्या गुफा, यहाँ चलते हैं हम, यहाँ कोई नहीं है, देखते क्या है इधर। कि यार यहाँ पे कपल्स का पता कैसे, पता कैसे चल रहा है कि यहाँ कपल्स होने चाहिए, क्योंकि देखो अरे देख लो सबका नाम लिखा है यहाँ पे, देख लेना कौन कौन है ये। ये देख लो कौन है, नितिन शिवानी, यार क्या कर देते यार, ये साथ में लेके आते क्या सब ये फ्लूट लूट। बाकी यार जैसा मैंने कहा था आपको, हम आपको आयरन पिलर दिखाते हैं, लोहे का स्तंभ। हाँ बाकी वो पता नहीं किस तरफ है, यहाँ चलते चलते देखना पड़ेगा कहाँ पर है। हाँ मैं सुना तो है बहुत ज्यादा, कुतुब मीनार के बाद उसी का नाम आता ज्यादा इस जगह पर। अच्छा, जो ये शेप दिख रहा ना आपको, ये पहले जुड़ा हुआ था, बीच में टूट गया। गाइस हमारे एकदम सामने ही है जो आयरन पिलर है वो रहा, उसके एकदम सामने, तो आपको पता ही जो हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि मेन चीज यहाँ पर यही थी। और बाकी आसपास तो मतलब मॉन्यूमेंट है जो आसपास होते हैं इसके, किले विले टाइप। बाकी यार देखो सब फोटो ले रहे हैं, यहाँ पे कोई जगह नहीं होगी जो खाली ना हो, इतनी भीड़ है यार। हमारे सामने ही एकदम आयरन पिलर, आप देख सकते हो। वेट नहीं पता, ये पता है कि ये 23 फीट का है, पूरा आयरन का बना हुआ है, और इसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ, थोड़ा थोड़ा दिखेगा नहीं आपको कि यार अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ इंग्लिश में लिखा है, उस तरफ हिंदी में लिखा है, तो जहाँ बच्चे खेल रहे उसके ऊपर वो हिंदी में लिखा है। तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं जा रहा हूँ पढ़ने। पढ़ ले। बाकी यार इसके सामने भी ये दे रखा है एक गेट टाइप का, और इसके सामने ये कुतुब मीनार, इसके सामने पिलर, बाकी ये पूरी गैलरी टाइप बनी हुई इसके सामने। यहाँ पे ये कुआ टाइप बना रखा है, पर कुएं में पानी नहीं है, कुआ बनाया है बैठने के लिए, इसके लिखा हुआ भी है कुआ। कुआ तो गहरा होता तो यहाँ पे जा कैसे रहे? चल के देखें। ओ भाई साहब पानी है इसके अंदर, कबूतर कहाँ है कबूतर? गाइस कुआ बहुत ज्यादा गहरा है, पर ये बंद है, बंद कब से ये नहीं पता। अगर आप बोर हो जाना घूम के तो हम जहाँ जाने वाले हैं उतनी बेस्ट जगह मेरे को लग रही है दूर से देख। अलाई मीनार तो चले फिर। तो गाइस जो मीनार देख रहे हैं इसका कोई शेप नहीं है, क्योंकि ना ये शुरू होते ही खत्म हो जा रहा है। बाकी अंदर जाने की जगह भी है वैसे, समझ नहीं आ रहा है, कुआ टाइप का लग रहा है, अंदर जाना मना है। कहाँ लिखा है ये लगे है ना, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा इसका मतलब हाँ अंदर जाना मना है। बाकी गाइस यहाँ जैसे टाइम होता रहता है ना 6:30-7 बजे के आसपास, तो गार्ड्स जो वहाँ पे है वो भगाने लग जाते हैं, बोलते हैं बाहर की तरफ जाओ बाहर की तरफ जाओ, क्योंकि 7-8 बजे ये बंद हो जाता है। यार इसकी जो टाइमिंग है ना वो सुबह 8-9 बजे से लेके 8:30 बजे तक रहती है, तो टिकट जब मर्जी ले सकते हो इसके बीच में, ऑनलाइन भी ऑफलाइन। बाकी गाइस यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, मैं दिखा देता हूँ एक बार। वो गाइस एकदम मीनार के एकदम सामने ऊंचाई पे पता नहीं क्या विशाल भागते हुए जा रहा है, आप देख सकते हो काफी ऊंचा है ये, मतलब वो ऐसा चट्टान टाइप का है। तो भाई मैं तो यार थक ही गया यहाँ के, कैसा दिख रहा है यहाँ से? यहाँ से जो व्यू है ये कह सकते हो कि यहाँ से पूरा दिख रहा है, ये वाला जो किला ये भी दिख रहा है, कुतुब मीनार तो पूरा ही दिख रहा है भाई साहब। हाँ यहाँ से यार एक नंबर का शॉट आ रहा है, हम आपको सिनेमैटिक दिखाते। तो
तो गाइज अगर यहाँ तो गाइज हमें थोड़ा सा मतलब इवनिंग बोलेंगे ना, इवनिंग बोल क्योंकि आउटर ऑफ दिन का लाइट तो लाइट जल रही है, जलने दे वो थोड़ी शांत सी में चला दे। तो गाइज अगर आप यहाँ कुतुब मीनार देख के थक जाओ ना तो साइड में एकदम बहुत बड़ा मतलब पार्क बना रखा है, घास में एकदम भरे पड़े हुए हैं, एकदम मजेदार सही लग रहे हैं। फ्लावर्स भी यार एक नंबर के हैं यहाँ पे, हर चीज मतलब एकदम बढ़िया साफ सफाई से है, और घास इतने की मतलब गद्दा बन जाएगा अगर आपको आराम करना है तो, विशाल के तो बेस्ट है इसको आराम चाहिए। गाइज ये जितना भी था ना हमने पूरा इसको एक्सप्लोर कर दिया है भाई, बाकी यार यहाँ पे हम थोड़ा बैठे हुए हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक गए चल चल के, क्योंकि 2-3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ बहुत जबरदस्त बना हुआ है, और यहाँ पे अभी भी लोग बैठे हुए हैं, नहीं कि हम ही बैठे हैं, बहुत लोग बैठे देखो कितने लोग बैठे। अभी ना वीडियो खत्म नहीं हुई है भाई, हम आपसे लास्ट में मिलेंगे थोड़ा सा। हाँ और बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं हम, ध्यान से सुनना। A few moments later. तो गाइज हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन से, क्योंकि यार इतनी जबरदस्त डेस्टिनेशन से मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी आने का। वीडियो कैसी लगी बता देना, ऐसा हमें ना कोई भी वीक स्किप नहीं करना चाहते वीडियो से रिलेटेड, इसलिए हम कुछ ना कुछ जरूर डालते हैं भाई, तो वीडियो को इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखो। बाकी यार जो वहाँ का लोकेशन है सारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बाकी वहाँ की टाइमिंग टिकट कितने का है, अडल्ट का कितना है, बच्चों कितना, सब कुछ मतलब ओके। तो गाइज इतने दूर आना पड़ा सिर्फ आपके लिए क्योंकि हम वीडियो में आपको दिखाना चाहते थे, तो उसके लिए यार हमारी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना भाई, और यार वीडियो ज्यादा अच्छी लगी तो शेयर करना फैमिली मेंबर पे, हर जगह बता देना कि ये जगह ओपन हो रखी कि आप जाके फैमिली मेंबर के साथ जिसके साथ भी जाना चाहो। बाकी यार ऐसी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में बता देना, और भी कहीं जाना तो सजेस्ट कर देना कमेंट के अंदर कुछ भी बात। बिल्कुल यार, और जिसने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर लो, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो, हम आपको मिलेंगे दूसरी वीडियो में, जब तक ख्याल रखो अपना अपने परिवार का, जब तक के लिए राम राम, राम।